कभी हार नहीं होती। ये बात यूं ही नहीं कही जाती है, ये बात किसी के जज्बे को देखकर और दुनिया से कुछ हट कर करने वालों के लिए कही जाती है। और अब यही बात ऊना जिले के भदसाली गांव के रहने वाले दिव्यांग रमन कुमार के लिए फिट बैठती है। किसान रमन कुमार ने ये साबित कर दिया कि दिव्यांगता किसी के लिए अभिशाप नहीं हो सकती। हमारे जहाँ यहाँ पर ब्लॉक में 2018 में हमने प्राकृतिक खेती किसानों के साथ शुरू की थी, जिसमें शुरुआत में 6 दिवसीय प्रोग्राम जो हमारे हुई थी वो सुभाष पालेकर जी द्वारा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में किया गया था, जिसमें हमारे किसानों ने उसके उपरांत प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। आज दिन तक हम लगभग 2000 से अधिक हमारे जो किसान हैं इस खेती को हमारे ब्लॉक में अपना चुके हैं। पेशे से किसान रमन कुमार ने दिव्यांग होने के बावजूद प्रगतिशील किसान बनकर युवाओं और विशेष रूप से सामान्य लोगों के लिए एक बड़ी मिसाल पेश की है। रमन कुमार ने दिव्यांग होने के बावजूद हार नहीं मानी और खेती बाड़ी जैसे जटिल पेशे को अपनाया। इतना ही नहीं, रमन ने प्राकृतिक खेती अपना कर न केवल खुद को इस कारोबार में स्थापित किया बल्कि अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दिया है। वही कृषि विभाग में खंड तकनीकी प्रबंधक के पद पर हरोली ब्लॉक में कार्यरत अंकुश कुमार शर्मा का कहना है कि साल 2018 में जिले के किसानों को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में प्रेरित करने के लिए सुभाष पालेकर से 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करवाया गया था, जिसमें अकेले हरोली ब्लॉक में ही करीब 2000 किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं, जिनमें 2 कनाल से लेकर 60 कनाल तक भूमि पर किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती करते हुए अच्छी पैदावार ली जा रही है। बचपन में 13-14 साल की जब आज हुई थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मेरी एक टांग कट गई थी और उसके बाद जैसे तैसे मैंने अपनी प्लस टू तक पढ़ाई करने के बाद फिर खेती में ही माता पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो हम थोड़ा खेती केमिकल वाली कर रहे थे, पर बाद में ब्लॉक एटीएम और बीटीएम जो आत्मा के हैं हरोली ब्लॉक के, उन्होंने हमें पालमपुर में ले जाकर सुभाष पालेकर जी से प्राकृतिक खेती की जो ट्रेनिंग करवाई थी, उसके बाद मैंने तुरंत ही उसी समय से लगभग 25 बीघा अपनी जमीन थी जो उसमें प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। अब रमन अपनी मेहनत से सालाना 4 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। रमन के इस जज्बे को सलाम करने के साथ ही सभी को सीख लेनी चाहिए कि राह में मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सूर्य समाचार के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।